नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और आज बड़ी धार्मिक वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये देखें, इधर ये चंडी देवी मंदिर है हरिद्वार का, और बहुत ही श्रद्धा से इसका नाम लिया जाता है भाई, और बहुत ही पूजनीय है। इधर का व्यू देखो, ये करीब जो 3 किलोमीटर लंबाई में है, ऊंचाई तो 3 किलोमीटर नहीं है। हरिद्वार का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोभावन, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गंगा नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इधर देखें तो इधर पहाड़ी कुछ दृश्य दिखना शुरू हो जाता है, हालांकि इससे आगे ऋषिकेश और उससे आगे फिर पहाड़ी पहाड़ है, और बहुत ही मज़ेदार दृश्य है। और देवभूमि है, और देवभूमि तो भाई हर जगह देव है, और यहाँ पर हर एक मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो भाव है ना मनुष्य के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, मूल भाव पैदा हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इसका रास्ता दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। हालांकि मैंने तो ऐसे रास्ते बहुत देखे हैं, पर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो देखिए मैं दिखाता हूँ इसका रास्ता। आए, ये है शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है एक्चुअली। प्रॉपर रोड भी है यहाँ पर, प्रॉपर रोड भी है, लेकिन शॉर्टकट का जो रास्ता है ना, आजकल के बच्चे, आप जैसे बच्चे इसे ट्रैकिंग कह देते हैं, है ना। मंकी और ऐसे जो जंगली जानवर हैं, हनुमान जी कहें आप इन्हें, तो वो यहाँ रास्ते पे मिलते रहेंगे। तो आए बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रास्ता बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावक। और साथ के साथ देखिए, ये जो है ना हमारी जो आत्मा की जो पाप होते हैं ना, जो हम उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, उनको शुद्ध करता है सही मायने में। तो वातावरण है, वायुमंडल है, देवभूमि है, प्रकृति है, प्रकृति का दृश्य है। और जब भी हम प्रकृति में रहेंगे, तब हम हमारे भाव अच्छे होते चले जाएंगे, और जब भी हम मैटरिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो ही हमारे अंदर पाप और ये घृणा और द्वेष और राग और छीना झपटी चोरी ये वो सब शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर जो है ना घूमने आया हूँ, घूमने क्या, मन की शांति के लिए आया हूँ। और अगर आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।